हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। भाई टीवीएस रेडर का हालत बहुत ही अब ख़राब हो चुका है, इसीलिए टीवीएस वाले एक और नया 125 सीसी बाइक लॉन्च करने वाले हैं, जो सीधा भाई आपकी एक्सट्रीम 125 आर को बीट करेगी। इस गाड़ी का डिज़ाइन भाई काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी मतलब ये 125 सीसी की लगने वाली है ही नहीं भाई, पूरा 200 सीसी बाइक वाला ये फील देगी लुक और डिज़ाइन के मामले में। आप फोटो देख ही सकते हो भाई, पूरा ब्लैक वाला कलर भी इसमें मिलने वाला है। हालांकि ओवरऑल ब्लैक वाला ये कलर नहीं है भाई, लेकिन हाँ आपको एक्सट्रीम की तरह ही पूरा ब्लैक वाला कलर भी इसमें देखने को मिलेगा। अभी इसमें क्या कैसे मिलेगा, क्या नाम होगा इसका, कब तक लॉन्च होगा, कितना प्राइसिंग होगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी सबसे पहले लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं भाई। तो इस गाड़ी को काफी स्टाइलिश बनाया गया है, क्योंकि भाई आज के यूथ को ये ज्यादा टारगेट करने वाली है। मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, पीछे का टेल टेडी काफ़ी स्पोर्टियर मिलने वाला है, रियर हगर भी आपको मिल सकता है एसेसरीज के तौर पे, और भाई सीट काफ़ी आपको स्प्लिट में मिलने वाला स्टाइलिश एकदम, पीछे ग्रेवरेल भी आपको स्प्लिट में ही मिलेगा, और एग्जॉस्ट सिस्टम भी स्पोर्टियर मिलने वाला है, और इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलने वाला है, इंजन काउल भी मिलेगा इसमें, और आपको राउंड शेप का एलईडी हेडलाइट मिल जाएगा जिसमें आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा, इवन एलईडी इंडिकेटर भी इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा टेल लाइट भी एलईडी ही दे रखा है इसमें, बाकी एलॉय काफी स्टाइलिश मिल जाएगा इसमें। आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा। ये इकलौती ऐसी बाइक होने वाली है भाई इंडियन मार्केट में 125 सेगमेंट में, जिसमें आपको ड्यूल चैनल ईबीएस मिलने वाला है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में भी डिस्क ब्रेक ही मिलेगा। आपको फ्रंट में 280 एम का डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में 240 एम का डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें इंजन ऑल न्यू मिलेगा 123.94 सीसी का, 3 वाल्व इंजन जो कि 4 स्ट्रोक रहेगा सिंगल सिलेंडर, जो आपको अराउंड 12 बीएचपी का पावर और 11.8 एनएम का टॉर्क निकाल के देगा। इसमें आपको सेल्फ मिलेगा भाई, ओनली किक नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा है भाई कि इनको किक देना चाहिए था मार्केट के हिसाब से, लेकिन भाई ये लोग अपने आदत से मजबूर हैं। हालांकि इसमें आपको 5 गियर का सेटअप मिल जाएगा, ड्यूल स्टैंड नहीं मिलेगा, सिंगल स्टैंड मिलेगा जो साइड स्टैंड होता है, मेन स्टैंड नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको टायर काफी मोटा मिलेगा, फ्रंट में 100x90/17 मिलेगा और रियर में आपको 120x70/17 मिलेगा, और चेचिस आपको इसमें डायमंड फ्रेम मिलेगा, रेडर की तरह नहीं कि ट्यूबुलर फ्रेम देके चेप देंगे। टीवीएस वाले काफी भाई अच्छे से इस गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, ताकि कुछ भी चीजों के मामले में ये एक्सट्रीम से पीछे ना हो। इसमें आपको टॉप स्पीड भी काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है 130 kmph तक है, और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें। आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब चीज़ आपको मिलेगा इसमें। यूएसबी भी मिलेगा, प्लस में इंजन किल स्विच भी मिलेगा, 3 मोड भी मिलेंगे, साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स भी मिलेगा, भर भर के फीचर्स मिलेगा इसमें, और कलर भी काफ़ी तगड़ा तगड़ा आने वाला है। रहा बात प्राइसिंग का, तो ये भाई 1,20,000 रुपये के लपेट में आपको मिल जाएगी ऑन रोड। इसमें एक ही वेरियंट लॉन्च होगा। बाकी रहा बात लॉन्च डेट का, तो टीवीएस ने तो ऑफिशियली अभी कुछ बताया नहीं है भाई, लेकिन हाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के स्टार्टिंग में इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इसका फ्यूरो 125 नाम होगा या फिर कुछ और होगा, इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि फ्यूरो 125 भी इसका नाम हो सकता है। अब देखते हैं भाई, यही कहानी है टीवीएस की अपकमिंग 125 सीसी बाइक का। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। आपको ये गाड़ी देखने में कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।